हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमके मैथ्स वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो में आपको रैशनलाइज करना सिखाया। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1c का थर्ड सम। देखो, थर्ड का सेकंड पार्ट है 2 √3/√5। इसको हमने रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर है हमारे पास, तो इसे हम रैशनल बनाएंगे। रैशनल बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में हो उसी के साथ हम सामने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ सामने सामने मल्टीप्लाई हुई, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो हमारे पास आ गया 2 ऐसे ही, और रूट 3 जो है रूट 5 के साथ मल्टीप्लाई होके रूट 15। नीचे डिनोमिनेटर में रूट 5 और रूट 5 स्क्वेयर हो गए दोनों, तो स्क्वेयर के साथ रूट जो है वो कट गया, नीचे आ गया 5, तो हमारे पास आंसर आ गया 2 √15/5। तो ये थी सिंपल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर थर्ड सम। नाउ स्टूडेंट्स, 1c का फिफ्थ सम देखो, सिंप्लीफाई। अब सिंप्लीफाई, फर्स्ट सम है 22/√3+1+17/√3-1। अब यहाँ पे दो जो हैं हमें दिए हुए हैं, वो उनके बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, तो इनको हमने अलग अलग रैशनलाइज करना है दोनों नंबर्स को, और दोनों को रैशनलाइज करके लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जहाँ तो आप इनको पहले फर्स्ट नंबर लेके उसके साथ रैशनलाइज करो उसे, और उसका आंसर निकाल लो, फिर सेकंड ले लो उसको रैशनलाइज करके और उसका आंसर निकाल के लास्ट पे दोनों के आंसर को हम ऐड कर देंगे। नहीं तो आप साथ साथ इसके जो सॉल्यूशन है वो करके एडिशन का साइन बीच में डालते रहो। तो स्टूडेंट, फर्स्ट सम फिफ्थ का पार्ट का हम करेंगे। पहले इधर दोनों को रैशनलाइज करेंगे। 22 रैशनलाइज करना हमने सीखा हुआ है पिछली वीडियोस में, आप उसे रिवाइव करके दोबारा से देख सकते हो अगर आपने नहीं सीखा। सेम नंबर उतारना है ऐसे ही। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में हो उसी के साथ न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है सेम नंबर से, बट साइन जो है वो चेंज करके। यहाँ पे 2√3+1 है, तो हमने क्या लिखना है, 2√3-1। नीचे भी सेम नंबर लिखेंगे, क्लियर। अब ये फर्स्ट नंबर हो गया, दूसरा प्लस का साइन, दूसरी तरफ भी सेम ऐसे ही करेंगे, 17/√3-1, सेम नंबर से मल्टीप्लाई लेकिन साइन चेंज करके, यहाँ पे प्लस का साइन, 2√3+1, ठीक है। अब सेम सामने सामने दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसे ब्रैकेट में डालना चाहो तो ऐसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हो कि दोनों को अलग अलग रैशनलाइज करके लास्ट में उनके आंसर्स को ऐड करेंगे, क्लियर। आप पहले एक साइड भी सॉल्व कर सकते हो, फिर दूसरी साइड सॉल्व करके दोनों को लास्ट में ऐड कर सकते हो। साथ साथ करेंगे इसके, सामने सामने मल्टीप्लाई करेंगे। 22 को जब हमने मल्टीप्लाई करना है इधर, तो ध्यान रखना है यहाँ पे दो नंबर हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होनी है 22 ने। 22 को हमने फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया, 22 × 2 = 44, और साथ में कितना आ गया, √3। फिर 22 को 1 के साथ −22। नीचे डिनोमिनेटर में सेम नंबर हैं लेकिन साइन जो है वो चेंज है, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, a + b × a − b किसके इक्वल होता है, देखो कौन सा फार्मूला लगेगा। इधर a + b, दूसरी ब्रैकेट में a − b किसके इक्वल होता है, a² − b² के, क्लियर। तो यहाँ पे हमने ये फार्मूला लगाया, पहला नंबर कौन सा है, 2√3² a² − b² b कौन है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट
ये ब्रैकेट में डाल लिया हमने, दूसरी तरफ प्लस का साइन, इधर भी ऐसे ही सोल्व करेंगे, 17 को सामने मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 34 और रूट 3 साथ में। अब नेक्स्ट प्लस का साइन है तो 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ आ गया 17। नीचे डिनोमिनेटर में फिर से वही फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। तो यहाँ पे ए कौन है, 2√3 का स्केयर माइनस 1 का स्केयर, ये एक ब्रैकेट आ गई। अब इसे सॉल्व करेंगे फर्स्ट, अब इनको प्लस माइनस ऊपर वाले को नहीं कर सकते क्योंकि ये रूट थ्री वाला नंबर है और ये विदाउट रूट है, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, 44√3 माइनस 22। नीचे डिनोमिनेटर में देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करना है, पहले 2 को 2 टाइम, 2 2 ज़ा 4, जब 3 को मल्टीप्लाई किया स्केयर स्केयर कट के तो फिर कितना आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आ गया, 12 और यहाँ माइनस 1। इसको देखो दोबारा से कैसे मल्टीप्लाई हुआ है, ये 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, ये 2 2 ज़ा 4 और ये √3 √3 जब मल्टीप्लाई हुए तो 3, तो यहाँ आ गया दोनों को मल्टीप्लाई करके 12। क्लियर। अब नेक्स्ट प्लस का साइन, फिर से इधर ये ऊपर 34√3 ऐसे ही आएगा प्लस 17, नीचे ए स्केयर, इसको सॉल्व करेंगे सेम नंबर है इसलिए यहाँ पे 12 ही आएगा, नेक्स्ट माइनस 1, दोनों को सॉल्व करके हमारे पास ऊपर वही नंबर आएंगे, नीचे 12 को में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आ गया 11। दूसरी तरफ भी सेम यही आएगा डिनोमिनेटर में 11। अब दोनों को ऐड करना है, फ्रैक्शन वाले नंबर हैं तो दोनों को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हमारे पास सेम एलसीएम है 11, ऊपर वाले जो नंबर हैं ऐसे ही आ जाएंगे, 44√3 माइनस 22, दूसरी तरफ प्लस 34√3 प्लस 17। अब रूट थ्री एक हमारे पास 44 है और दूसरी तरफ 34, दोनों जो हैं ऐड होंगे, ऐड होके हमारे पास आ गया 78√3। अब यहाँ पे 22 माइनस का है, 17 प्लस का है, दोनों को जब माइनस किया तो हमारे पास आंसर आया -5, नीचे क्या आ गया 11, तो ये आ गया हमारा आंसर। दोबारा से देख लो एक बार, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है सिंप्लीफाई, दोनों दिए हुए हमें नंबर्स, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है और कह रहा है कि सिंप्लीफाई करो। अब हमने क्या करना है, पहले फर्स्ट जो नंबर है उसको रैशनलाइज कर लेना है, दूसरी तरफ दूसरे को, दोनों को रैशनलाइज करके बीच में प्लस का साइन है, एडिशन की एलसीएम लेके 11 आ गया हमारे पास, 11 आया तो ऊपर वाले डिनोमिनेटर को सॉल्व करके हमारे पास आ गया 78√3 माइनस 5/11। स्टूडेंट फिफ्थ सम का सेकंड पार्ट देखो, √2/6√-√2 माइनस का साइन, √3/√6 प्लस √2। जो फर्स्ट सम हमने किया उसमें प्लस का साइन था, इसमें इन दोनों फ्रैक्शन में जो रैशनल नंबर्स हैं वहाँ माइनस का साइन है, तो दोनों तरफ हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, पहले रैशनलाइज करेंगे, ठीक है। तो रैशनलाइज किया हमने फर्स्ट नंबर को पहले, यहाँ पे सेम नंबर है जो डिनोमिनेटर में उसी के साथ मल्टीप्लाई करना है सामने, लेकिन साइन जो है वो चेंज करके। अब यहाँ पे √6-2 था डिनोमिनेटर में, हमने न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन जो है माइनस है तो यहाँ पे प्लस का साइन डालेंगे। अब सामने सामने जब मल्टीप्लाई करेंगे, √2 जो है पहले √6 से मल्टीप्लाई होगा फिर √2 से। अब देखो √2 जब √6 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला स्टेप बहुत ध्यान से करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, √2 और √6 इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, देखो √2/√6 ये दोनों इकट्ठे होके 2/6 ऐसे बन गया। अब इनको जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2
सिक्स को हम लिख सकते हैं, टू थ्री ज़ा सिक्स, क्लियर। अब यहाँ पे दो जो है वो पेयर बन गए उसके, और वो रूट से बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टू बाहर आ गया और अंदर रूट थ्री। ये स्टेप ध्यान से करना है मल्टीप्लाई करने के बाद, कि यहाँ पे आंसर आ गया हमारा टू रूट थ्री, क्लियर। नेक्स्ट, जब रूट टू ने रूट टू से मल्टीप्लाई किया तो उसके रूट जो है वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे टू आंसर आ गया। नीचे इसको सॉल्व करेंगे साथ में, कितना आ गया रूट थ्री, यहाँ पे टू रूट थ्री प्लस टू ओवर ए स्केयर, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, क्लियर। फिर दूसरी तरफ भी ऐसे ही सेम नंबर से हमने डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, सामने सामने मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही यहाँ पे हमने सोल्व करना है दोनों को, तो यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर, सिक्स के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक है, थ्री यहाँ पे बाहर आएगा, पेयर बना थ्री का, रूट टू। दूसरी तरफ थ्री टू ज़ा सिक्स, रूट सिक्स आ गया, नीचे स्केयर के साथ स्केयर कट जाना है यहाँ पे, यहाँ पे टू के साथ, इनको सॉल्व करेंगे अब। यहाँ पे दोनों को सॉल्व करके यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में इधर भी सिक्स में से टू जो सब्ट्रैक्ट किए तो फोर आ जाएगा, दूसरी तरफ भी सिक्स में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिनोमिनेटर में फोर आएगा। अब यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में फोर आ गया, इधर भी फोर, बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट के लिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आना है, फोर ही आना है एलसीएम, ठीक है, सेम नंबर ही एलसीएम, फोर ही आएगा, देखो नीचे फोर ही आया, क्लियर। यहाँ पे फोर, ये सेम नंबर, डिनोमिनेटर जब सेम हो तो जो न्यूमिनेटर में है वही हम लिखते हैं, टू रूट थ्री प्लस टू। अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान रखना है कि बीच में माइनस का साइन है, तो दूसरी तरफ जो नंबर है उसके जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ थ्री रूट टू माइनस का हो गया और जो रूट सिक्स है वो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों को हम किसी, कोई भी सेम नंबर नहीं है जिसको हम ऐड कर सकते हैं, देखो क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये रूट थ्री वाला नंबर है, ये अकेला नंबर है, कोई विदाउट रूट है, तो यहाँ पे रूट टू है, यहाँ पे रूट सिक्स, कोई भी सेम जो नंबर है वो नहीं है, इसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो यही हमारा जो है आंसर हो। तो स्टूडेंट, ऐसी और स्टडी बेस्ड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू।